जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। मैं हूं संदेश संत। हमारे साथ हैं बसपा सपा के गठबंधन से जो पूर्व पश्चिमी दिल्ली के प्रत्याशी सीता सरन सेन जी हैं, जिनका मैंने अभी जलसा देखा है जो चल रहे हैं, तो इतनी भारी भीड़ सड़कों पर इनके साथ चल रही है। लेकिन आज जो हम सवाल सीता सरन सेन जी से पूछने वाले हैं कि क्या जब वो सांसद बनेंगे, क्या भाजपा के सांसदों की तरह वो लोगों से कटना शुरू करेंगे, किस प्रकार की छवि उनकी बहुजन समाज के लोगों के साथ बनी रहेगी, तो ये हम जानना चाहेंगे। बात करते हैं सीता सरन सेन जी से। सर, आपका बहुजन मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुजन समाज के अपने कुछ सवाल हैं। जैसा कि देखा गया है कि बहुजन समाज से ही उठकर बहुजन सांसद निकल कर आए हैं और उन्होंने बहुजन समाज से ही नाता तोड़ लिया, तो आप किस तरह से बहुजन समाज को, ना कि सिर्फ बहुजन समाज को बल्कि सर्व समाज को किस प्रकार से सहायता करेंगे? आज तक जिन सांसदों ने बहुजन समाज में रह के और बहुजन समाज को धोखा दे के दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, मैं उनको ये जवाब दूंगा कि मैं ऐसा कैंडिडेट हूँ कि बहन जी के आदेश पर और इस बहुजन समाज पार्टी के दिशा निर्देशों के आदेश पर ही हम चलेंगे। कभी जीवन में किसी और पार्टी के बारे में विचार भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, ना ही कभी मन में कोई बात रख सकते। जो सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त, ना कि सिर्फ बहुजन समाज की, चाहे कोई भी हो, रोजगार, जो वादा किया गया था 2 करोड़ रोजगार का, अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो केजरीवाल सरकार ने भी एक दिखावा किया कि शिक्षकों को कुछ नौकरियां दी, फिर बाद में बंद कर दिया, यहाँ तक के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां भी अब बंद कर दी गई हैं। तो आपसे बहुजन समाज या सर्व समाज का युवा जो पढ़ लिख कर 5 सालों से सड़कों पर घूम रहा है, क्या उम्मीद कर सकता है? मेरे कार्यकाल में जब भी मैं अगर जीत के आता हूँ तो हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा कि इस देश में जितना, इस दिल्ली के अंदर जो हमारी लोकसभा है, उसमें जो हमारे कार्य होंगे उन कार्यों पे हम बिल्कुल 100% उतरेंगे। जो हमारे युवा हैं जिनके साथ आज तक और पार्टियों ने, जैसे आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस वालों ने धोखा देके आज तक उनको गुमराह किया है, वो बात आज के बाद हम नहीं होने देंगे। हम जन जन तक जाके और मजबूती से उन युवाओं, गरीबों और अपने भाई बहुजन समाज के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। सर, एक और ज़रूरी सवाल, वाल्मीकि समाज जो अभी तक गटर में गिर गिर कर मर रहा है, उसके संबंधित जो निरंतर आंदोलन चला, अभी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी बहुत हुआ, तो क्योंकि अब बहुजन समाज की दोनों पार्टियां हैं, सपा और बसपा के गठबंधन से हैं, तो वाल्मीकि समाज के लिए सपा बसपा का गठबंधन क्या नया कार्य करेगा, क्या उन्हें किसी प्रकार की मुक्ति मिलेगी? हमारा जो पिछला समाज था, उन्होंने पूरा पहले का कार्य जो थे वो छोड़ दिए हैं। हम वाल्मीकि समाज से भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनको अच्छे से अच्छी नौकरियां दिलवाने की कोशिश करेंगे और उनको इस काम से बाहर निकालने के लिए जो सरकारी मदद होती हैं, मशीनरी लगाना, जो काम मशीनरी का है वो मशीनरी करेगी, जो इंसान का काम है वो इंसान करेगा। लेकिन ये हमारी बहन जी ने यूपी में करके दिखा दिया है, गांव-गांव में एक गांव के अंदर 2 सफाई कर्मचारियों की नौकरी दी थी, जिसमें हर समाज को नौकरी मिली है। आज उस समाज में चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो या अदर कास्ट ओबीसी हो, सब लोग सफाई के काम में हैं। वाल्मीकि समाज के लिए कोई ये एक अलग से पक्का काम नहीं है कि वाल्मीकि समाज ही करेगा। हम बहन जी के किए हुए कार्यों को यहाँ भी लागू करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वाल्मीकि समाज को भी ऊपर उठने का मौका मिले और जो गटर में हाथों से काम करते हैं, घुस के काम करते हैं, उस काम पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। एक सवाल है मेरे तरफ से सीता सरन सेन जी की, आप जो जनता के बीच में जो जाने वाले हैं, क्या क्या लेकर के जाने वाले हैं, क्या मतलब कि उनकी जो नीड्स है वो क्या क्या आप पूरी कर सकते हैं? जनता की नीड्स तो जी बहुत हैं, क्योंकि हमारा समाज जो आज तक पिछड़ा रहा है और पिछड़ा इन लोगों ने किया है, उसके लिए
आज बहन जी ने बहुत बड़ा अपने आप में एक निर्णय लिया है कि ओबीसी को जोड़ के एक मजबूत ताकत बनाई है, और उस ताकत से हमारा बहुजन समाज, हमारा जो गरीब समाज है, वो उठ के ऊपर आएगा और इन लोगों को जवाब देगा कि हम भी इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं हैं। इसलिए हमारा जो नारा, जो बहन जी का नारा है, वही हमारा नारा रहेगा, हमारे साथियों का नारा वही रहेगा। आपके सामने तीन तीन पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और आप है, तो इनको, इन तीनों में से आप किसको अपना टक्कर मानते हैं, जो कि टक्कर मान रहे हैं? सच्चाई तो ये है कि बहुजन समाज से किसी भी पार्टी की कोई टक्कर नहीं है, केवल और केवल हमारा बहुजन समाज जाग जाए और उसी में हम इन सबको परास्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कुछ लोग जो गलती से इधर उधर भटक जाते हैं, वो लोगों की वजह से वो अपनी सरकारें बनाते हैं, वरना वो सरकार बनाने की किसी भी हालत में नहीं है। क्योंकि हम 85% पे काम करते हैं और वो केवल 15% लोग हैं। अभी मोदी जी के जो 5 साल के जो वादे थे, वो कहीं ना कहीं मतलब वो विफल हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो कि ना होते हुए भी वो हुए, जैसे नोटबंदी का रहा है, और भी ऐसे 200-300 ऐसे चीज़ें जो फौजियों पे मतलब कुछ ऐसी प्रताड़ित वाली भावना, तो आप उन सब घटनाओं को लेकर के आप क्या सोचते हैं? मतलब कि बहन जी अगर आप केंद्र में आती हैं तो क्या करना होगा? देखिए जी, जिस दिन बहन जी हमारे केंद्र में आएंगी, उस दिन इस देश का इतना बड़ा बदलाव होगा कि और पार्टियां कभी जीवन में सोच भी नहीं सकती। क्योंकि बहन जी का कार्यकाल जो यूपी का हुआ है, उससे ये लोग घबराए हुए हैं, और उस कार्यकाल के दौरान बहन जी के जो अच्छे अच्छे काम हुए हैं, इन लोगों ने उनको दबाने का काम किया है। अगर वही काम आज हमारी मीडिया में सबके सामने आ जाएं, तो हमारे से कोई टक्कर लेने वाला नहीं है। रही बात दूसरी फौजी की, जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फौजियों वाला केस, बम विस्फोट वाला किया है, मैं खुद फौजी हूँ, मैं 23 साल ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस की नौकरी करके 2012 में BRS लेके रिटायर हुआ हूँ इसी दिल्ली से, और मेरी 28 बटालियन हरियाणा में है, और ये चीज़ें हमने अपनी आँखों से देखी हैं। जो ये लोग झूठ बोलते हैं, हमारी जब कानबाई निकलती है, मजाल है कि कोई सिविल गाड़ी अंदर आ जाए, मजाल है कोई सिविलियन बीच में आ जाए, कभी नहीं आ सकता है, ये झूठ है, और इन लोगों ने इस पर कोई ना कोई फरेब जरूर किया है, जिसका बहन जी के बनने पर इसका बहुत बड़े पैमाने पर उजागर किया जाएगा और इनको छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं असली चौकीदार हूँ, जबकि उनके आगे एक चौकीदार जो देश का जो रक्षक है यादव जी, वो खड़े हो गए वाराणसी से, तो क्या कहना चाहेंगे जो मतलब उनको सपा और BSP के मतलब गठबंधन से मतलब उनको मिला हुआ टिकट? वो बिल्कुल झूठ है। मोदी जी जो भी कहते हैं चौकीदार सच्चाई है, चौकीदार हमेशा गरीब होता है, करोड़पति चौकीदार नहीं होता है, जिनके हजारों करोड़ों आज तक ड्रेसें चेंज हो गई हैं, जिनके कई कई करोड़ के सूट हैं, वो चौकीदार अपने आप को कहते हैं। चौकीदार हम और हमारी जनता है, हम अपनी ताकत से चौकीदारी दिखाएंगे, और जब हम जीत के आएंगे तो हम बताएंगे कि चौकीदार का मतलब क्या होता है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश प्रभारी सुरेंद्र सिंह कलोरिया जी है। सर, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि सपा बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में, तो क्या आप उम्मीद लगाते हैं कि इस बार बहुजन प्रधानमंत्री देश को मिलेगा? जी, निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूरे भारत देश में है, और इसका रिजल्ट जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, देश छत्तीसगढ़ है, अन्य राज्यों में भी रिजल्ट आएगा, और निश्चित तौर पर माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। बहुजन समाज पार्टी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी माननीय सीतासरण सहद जी, जिनका 4 नंबर पर, अनुक्रमांक नंबर पर हाथी के सामने का बटन दबा करके उनको विजयी बनाएंगे। 12 तारीख को वोटिंग है, और मैं आपसे पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हमारे कर्मठ जो उम्मीदवार हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर सुरक्षा में भी 22-23 साल तक देश की सेवा भी की है, और गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी है,
उनके चार नंबर अनुक्रमांक के हाथी के सामने का बटन दबाकर 12 तारीख को भारी मतों से उनको वोट डाल करके विजयी बनाने का काम करेंगे। और हमारा नारा है कि चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा झाड़ू, ना रहेगा फूल। जय भीम, जय भारत। मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा क्रमांक नंबर 4 है और हाथी के सामने का बटन दबाकर इस बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को आप विजयी बनाएं और हम आप लोगों के सेवा में तत्पर रहेंगे। कभी इस पार्टी के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, ना ही कभी जो है ना इस पार्टी को छोड़ के जाएंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है और मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा।